मॉर्निंग बच्चों, आज हम 8th क्लास की होम साइंस में फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य चैप्टर का नाम है जिसमें हमने आज टॉपिक लिया है प्रतिरक्षण यानी कि टीकाकरण, टीकाकरण का महत्व। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम अध्ययन करते हैं फर्स्ट चैप्टर स्वास्थ्य में टीकाकरण का महत्व। बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो प्रतिरक्षण का महत्व स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें टीकाकरण हमारा क्यों, बच्चों को जो लगाया जाता है, जो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है वो रोगों से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाता है, यानी कि रोगों से बचाव के लिए बढ़ाया जाता है। अब टीकाकरण का महत्व बच्चों, तो प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है। जब किसी बीमारी के रोगाणु, जीवाणु या विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो साधारणतः शरीर की प्राकृतिक क्षमता उनका मुकाबला करती है। यदि शरीर की प्राकृतिक बचाव क्षमता यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो रोगग्रस्त होने की आशंका भी बढ़ जाती है। अतः शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई या इंजेक्शन द्वारा या ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। ये रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाने से बच्चा जीवन भर के लिए क्या होता है, रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाता है, अपितु इनके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर भी जाए तो रोग होता ही नहीं अथवा उसका प्रभाव बहुत कम प्रकट होता है, उनका बच्चा किसी रोग का शिकार ना हो। यानी कि सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी भी रोग का शिकारी ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उचित समय पर बच्चों को प्रतिरक्षण यानी कि टीके का टीकाकरण करवाया जाए और घातक बीमारियों से उनका बचाव किया जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे प्रतिरक्षण टीकों की सूची, यानी कि टीकाकरण हमें कब कब बच्चे को करवाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ये है गर्भावस्था का समय आता है, अवधि आती है गर्भावस्था के 16 से 36 सप्ताह में, जो कि टीका कम से कम एक महीने के अंतर पर टीटी के दो टीके लगवाने चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों, माँ और नवजात शिशु का टिटनेस से बचाव होता है। अब जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जब जन्म लेता है तो उस समय BCG का टीका लगता है और मौखिक पोलियो की पोलियो खुराक लगवाई जाती है, जिससे बचाव किससे होता है, तपेदिक से होता है और पोलियो से बचाव होता है। जब शिशु 6 सप्ताह का होता है, तो इस कंडीशन में किसका टीका लगता है, DPT प्लस हेपेटाइटिस और B प्लस HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की दूसरी खुराक। यानी इससे इस टीकाकरण से बचाव, मतलब इन रोगों से बचाव होता है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव और पोलियो से बचाव, HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव। जब शिशु 10 सप्ताह का होता है तो ऐसी जब इस अवधि पर DPT प्लस हेपेटाइटिस और B प्लस HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की तीसरी खुराक लगवाई जाती है। इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पोलियो से बचाव, HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव होता है। जब शिशु 14 सप्ताह का होता है तो DPD प्लस हेपेटाइटिस बी और HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की चौथी खुराक लगती है बच्चों। ठीक है, यहाँ जब चौथी खुराक लगती है तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव और पीलिया और HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव करता है। जब शिशु 9 महीने का होता है तो खसरे का टीका लगता है, लगवाया जाता है, जो कि खसरे से बचाव करता है ना। अब जब 1 साल का शिशु होता है तो उसको चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाया जाता है, जो कि चिकन पॉक्स एवं पीलिया से बचाव होता है।
जब शिशु 16 से 19 माह यानी कि 19 माह यानी एक साल 7 महीने का जब होता है शिशु, तो उस समय डीपीटी पहली बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो की 5वीं खुराक और एचआईवी टीका बूस्टर खुराक और हेपेटाइटिस ए की 2री खुराक लगती है, जो कि डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस से बचाव होता है और एचआईवी संक्रमण पीलिया एवं पोलियो से बचाव होता है। जब शिशु 2 वर्ष का होता है तो टाइफाइड टीका लगवाया जाता है जो कि मियादी बुखार से बचाव करता है। जब 5 वर्ष की आयु होती है तो टाइफाइड का टीका, डीपीडी की दूसरी बूस्टर खुराक और मौखिक पोलियो की 6वीं खुराक लगवाई जाती है जो कि मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस एवं पोलियो से बचाव करता है। जब बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु पे आता है तो डीपीडी बूस्टर का 1 टीका जो कि 1 से 2 महीने के अंतर पर टाइफाइड मियादी बुखार के 2 टीके लगवाए जाते हैं जो कि डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस से बचाव करता है और मियादी बुखार से भी बचाव करता है। जब आयु बच्चे की 10 वर्ष की होती है बच्चों तो टीटी का बूस्टर का 1 टीका और मियादी बुखार का 1 टीका लगवाया जाता है जो कि टिटनेस एवं मियादी बुखार से बचाव करता है। अब प्रतिरक्षण यानी कि टीकाकरण में सावधानियां, बच्चों प्रतिरक्षण यानी कि टीकाकरण में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो इस प्रकार है बच्चों, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ध्यान देने योग्य बात यह है यदि नियत समय पर टीकाकरण नहीं हो पाया है तो डॉक्टर की सलाह से ही टीका लगवाएं, यानी कि समय से अगर हमारा टीकाकरण बच्चे का हमारे बच्चे का टीकाकरण नहीं हो पाया है तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो डॉक्टर की सलाह से ही टीका लगवाएं। बच्चों दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें 2 टीकों के बीच का अंतर यानी कि 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा साधारण सर्दी जुकाम खांसी बुखार आदि होने पर टीका डॉक्टर की सलाह से लगवाना चाहिए। अब है बच्चों प्रतिरक्षण से पहले की सावधानियां यानी कि टीकाकरण से पहले की हमें पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों, जिसमें पहला पॉइंट है टीके का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे समय पर लगवाया जाए, यानी कि जब उसका जो समय दिया है उस समय अवधि के अंदर ही हमें टीकाकरण करवा लेना चाहिए शिशु का, अन्यथा की स्थिति में क्या होता है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। अगला पॉइंट दूसरा हमारा बच्चों टीके की सामान्य मात्रा दिलाने के बाद निर्धारित समय पर आवश्यकता अनुसार उसकी बूस्टर खुराक दिलाना रोग से पूर्ण बचाव के लिए आवश्यक होता है। थर्ड पॉइंट टीका लगवाने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि सुई निसंक्रमित हो यानी कि वो सुरक्षित हो, जिससे वो यूज प्रयोग की हुई ना हो, जिससे कि हमें रोग का सामना ना किसी भी प्रकार के रोग का सामना ना करना पड़े और टीके का रखरखाव भी उचित हो, यानी कि टीका जो हमारा जो लग रहा है जो बच्चे को लगवाया जा रहा है वो दूषित ना हो। अब बच्चों आता है प्रतिरक्षण के पश्चात यानी कि टीकाकरण के बाद की होने वाले बरतने वाली सावधानियां बच्चों, जिसमें पहला हमारा पॉइंट है टीका लगने के बाद यदि बच्चों को 1-2 दिन बुखार आ जाए या इसी तरह की अन्य कोई तकलीफ हो तो घबराना नहीं चाहिए, ये तकलीफें प्रकट करती हैं कि टीका उचित कार्य कर रहा है अर्थात बच्चे के शरीर में प्रतिरक्षण विकसित हो रहा है। जैसे कि कभी कभी टीकाकरण होता है तो बच्चों को बुखार आ जाता है और माँ बाप क्या होता है ऐसे में माताएं बहनें जो भी है मतलब घबरा जाती हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। इसमें अगर बुखार आता है तो ये समझ लेना चाहिए कि टीका हमारा उचित कार्य कर रहा है। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसका बीसीजी के टीके लगवाने पर यदि 3 महीने तक उस स्थान पर फफोले ना पड़े तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका खसरे का टीका बच्चे को 9 महीने से पहले ना लगवाया जाए। तो बच्चों ये थे हमारे टीकाकरण के महत्व और कब कब टीका लगवाना चाहिए और टीकाकरण से पहले बरतने वाली सावधानियां और उसके बाद की सावधानियां होने वाली बरतने वाली सावधानियां। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।